जस्ट खत्म हुआ द होल एक्सपीरियंस, इट वाज सो क्रेजी। मतलब 200 के स्पीड से सीधा 70 के स्पीड पे आकर ब्रेक करना, इट वाज सो क्रेजी। आई एम लाइक स्वेटिंग ऑल ओवर। एंड हे गाइस, कैसे हैं आप सब? इट्स डे 3 इन दुबई एंड आज मैं जा रहा हूँ दुबई ऑटोड्रोम, जो यहाँ पे दुबई में सर्किट है, वहां पे कार्टिंग भी होती है, बट वहां पे एक्चुअल रेस ट्रैक है जहाँ पे आप कार हायर करके ड्राइव कर सकते हो। सो मैंने BMW M2 कॉम्पिटिशन, वो जो कार है वो बुक की है एंड आई एम गोना गेट 6 to 7 लैप्स ऑफ इट अराउंड द दुबई ऑटोड्रोम। काफी फुल स्पीड में चलाने को मजा आने वाला है। सो आई एम गोइंग देयर। मेरा नेक्स्ट 45 मिनट्स में बुकिंग है वहाँ पे, एक्चुअली नहीं, नेक्स्ट 1 आवर में बुकिंग है, 10:30 का है। तो आई एम लीविंग राइट नाउ, यहाँ से 30 मिनट दूर है, तो फटाफट निकलता हूँ बिकॉज मैं अगर लेट हो गया तो वहाँ पे ऐसे बुकिंग कैंसिल वैंसिल हो जाता है। सो आई टेल यू ऑल द कॉस्ट एंड एवरीथिंग ऑन द रोड, बट अभी के लिए चलो निकलते हैं फॉर द दुबई ऑटोड्रोम सर्किट। क्योंकि BMW चलाने जा रहे हैं, सो आई एम वेयरिंग माय पुमा BMW शूज, बिकॉज ऐसे लगना चाहिए यार, गाड़ी के साथ थोड़ा सिंक लगना चाहिए। सो आई एम वेयरिंग दीज शूज, दे हैव लाइक BMW लोगो एंड द कलर स्कीम। तो चलो लेट्स गो। फाइनली आ गए रेस ट्रैक पे, हैव डन ऑल द रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग। थोड़े टाइम में ब्रीफिंग स्टार्ट होगा, सो दे विल टेल अस एवरीथिंग अबाउट द कार, हाउ टू ड्राइव इट एंड कैसा ट्रैक है, दे विल लेट अस नो द फुल लेआउट। बट इधर क्या कार्स है यार, मतलब आई मीन इट्स गो लैम्बोर्गिनी हुरकन, ये फरारी है, पोर्श, यू गॉट अनदर पोर्श, जी वैगन, ब्रिलियंट। ओके गाइस, सो दीज आर ऑल द BMW M2s एंड मैं इसमें से किसी एक को चलाने वाला हूँ ऑन द ट्रैक। सो दिस इज द BMW M2 कॉम्पिटिशन, कार्बन फाइबर मिरर्स, काफ़ी इंशियन एलॉयज, गॉड कार्बन फाइबर एम परफॉर्मेंस स्पॉइलर, काफ़ी लो लग रही है मुझे। आई नेवर सैट और ड्रिवन अ स्पोर्ट्स सेडान, सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, विच इज़ वाई मैंने BMW M2 सेलेक्ट की थी। यहाँ पे M3 और M5 भी है, दिस इज द M5 एज यू कैन सी। ये तो काफ़ी ऐसे फोर डोर सेडान है एंड काफ़ी लग्जरियस, काफ़ी कम्फर्टेबल। यहाँ पे तो मस्त लाइटें वाइटें भी लगी हुई है, एज यू कैन सी इसमें पावर भी काफ़ी ज़्यादा है। This is the M5 इंस्ट्रक्शन चालू है, तो इनका पहले खत्म होगा, ही इज ड्राइविंग द M3 एंड देन माई इंस्ट्रक्टर विल बी फ्री एंड फिर मैं उनके साथ जा रहा हूँ विद द BMW M3। काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, आई ट्रस्ट मी इट वॉज अमेजिंग, मगर आई एम स्टिल स्वेटिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। यहाँ पे ऐसा लग रहा था मुझे वीडियोज़ में कि बहुत ईजी होगा, फटाफट निकल जाएगा, बट वेन यू हैव टू ब्रेक फ्रॉम 200 टू लाइक 60-70, इट्स क्रेजी। प्लस बिकॉज यहाँ पे कोई भी एवरेज पर्सन आके ड्राइव करता है, सो दे डोंट लेट यू ड्राइव दैट फास्ट। मेरा कार भी एक बार ऑलमोस्ट स्पिन हो गया था बिकॉज आई वॉज गोइंग टू फास्ट, बट ओवरऑल व्हाट अ फन एक्सपीरियंस यार। अगर आपके पास टाइम है यहाँ पे आने का, यू कैन ड्राइव एनी ऑफ द कार्स, BMW M2 M3 है, छोटी कार्स भी है, थोड़ी गो कार्स भी है, डेफिनेटली कम दुबई ऑटोड्रोम। इफ़ यू आर अ कार एंथुजियास्ट, आपको बहुत मजा आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत स्किल्स है ड्राइविंग की, यहाँ पे टेस्ट हो जाएगी पूरी। So that was basically my experience at the Dubai Autodrome. बहुत मज़ा आ गया यार। If you guys love cars, you should definitely come here.
प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो BMW M2 चलाने के लिए 950 dirhams मुझे देने पड़े थे, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़। आपको अगर वीडियो चाहिए तो उसका कॉस्ट अलग है। सो डेफिनेटली 6-7 लाख के लिए काफ़ी महंगा है, इट्स नॉट चीप, बट अगर आपको वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस चाहिए आप ये कर सकते हो। बाकी ऑप्शंस भी अवेलेबल है, अगर आपको और महंगी कार्स चलानी है तो और एक्सपेंसिव है वो, कुछ इनएक्सपेंसिव कार्स भी है। उसके अलावा एक्चुअली अगर आपको पैसेंजर बनना है तो इंस्ट्रक्टर चलाएगा, आपको खाली एक्सपीरियंस लेना है गाड़ी में फास्ट जाने का तो आप वो भी कर सकते हो। सो ऑल इन ऑल इट्स ग्रेट। प्लस अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो अगर आपके पास आपका कंट्री का लाइसेंस है दैट इज़ इनफ। मेरे पास महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट मतलब मुंबई का लाइसेंस था तो वही मैंने दिखा दिया था एंड आई वॉज एलिजिबल टू ड्राइव, कोई भी इंटरनेशनल लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस एक्सपीरियंस। अब मैं बात करना बंद करता हूं, मेरा जो एक फास्टेस्ट लैप था ये 7 लैप में से वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और भी कार्स रिलेटेड और F1 रिलेटेड कंटेंट मेरी चैनल पे आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय, एंजॉय द लैप। So much better.